मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की सुनी फरियाद। दूर दूर से आए फरियादियों ने सीएम योगी को पत्र सौंपा। सीएम आवास पर फरियादियों ने सुनाई समस्या। उन्नीस बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे। दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार नहीं मिला सेवा विस्तार। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म होने पर सीएम योगी ने लिया निर्णय। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और आईआईटीसी दोनों होंगे। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर प्रदेश भर में मनाया गया जश्न। देर रात युवाओं ने की आतिशबाजी। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में बड़ा फेरबदल। डॉक्टर आरपी सिंह बने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार। कई अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का भी हुआ तबादला। उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण डीएमओ भी बदले गए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस को लेकर दिए निर्देश। नए कानून को लेकर तैयारियों का भी लिया जायजा। कानून व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय सम्मेलन शुरू करेगी कांग्रेस। पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से सम्मेलन होगा। हर जिले की तहसील ब्लॉक मुख्यालय पर होगा सम्मेलन। संविधान सामाजिक न्याय सम्मेलन किया जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होगा सम्मेलन। अब एसी बसों के लिए यात्रियों को मिलेगी एक और सुविधा। यात्रियों को रोडवेज भेजेगा कंडक्टर और ड्राइवर का नंबर। परिवहन निगम की एसी बसों में होती है दिक्कत। सीट ढूंढने बसों की लोकेशन लेने में होती है दिक्कत। कल से शुरू होगा मोबाइल नंबर देने का सिलसिला शुरू। एलडीए की बोर्ड बैठक में पेश होगा प्रस्ताव। एलडीए क्षेत्र में लागू होगा सुख सुविधा शुल्क। 5 जुलाई को बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला। सुख सुविधा शुल्क लागू होने से बढ़ेगी इनकम। एलडीए की 80 से 100 करोड़ सालाना इनकम बढ़ेगी। रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। विराट कोहली के बाद रोहित ने लिया संन्यास का फैसला। आईसीसी ने सोशल मीडिया हैंडल पर दी जानकारी। कहा ये उनका आखिरी टी20 क्रिकेट मैच था। यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ में तेज हवा की चेतावनी। डीएम ने घर में ही रहने की अपील। देश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।